बेंच गठित होगी कि नहीं होगी हमें नहीं पता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सामने मामला लगा है और सुप्रीम कोर्ट का ट्रेडिशन रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी जजेस एक बार एक केस की सुनवाई करते हैं तो अंतिम दिन तक वो उस केस की सुनवाई करने के लिए सक्षम होते हैं। ये ना करके चीफ जस्टिस ने अपने खंडपीठ में मामला सुनवाई के लिए लगाया है, तो क्या ये बेंच गठित हो गई है या नहीं हुई है ये आज कोर्ट की हियरिंग के बाद पता चलेगा। क्योंकि जैसा कि आपको पता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस अब्दुल नजीर और जस्टिस अशोक भूषण की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी और जस्टिस दीपक मिश्रा के रिटायर होने के बाद उस मामले में एक जज ऐड होने थे, पर ये दूसरी बेंच है, कम्प्लीटली दूसरी बेंच है जो इस मामले की सुनवाई करेगी। और सुनवाई होगी कि भी नहीं होगी ये भी आज क्लियर नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आज मिस्टीनियस डे और ये फाइनल हियरिंग का मैटर है। 2 बजे स्पेशल बेंच, हमेशा इस मामले की हियरिंग होती थी 2 बजे स्पेशल बेंच में, वो भी नहीं आज लगा है, तो आज बहुत ही डाउटफुल सीन है कि इस मामले में कैसे प्रोसीड किया जाएगा। एक और उम्मीद की जा रही थी कि इस पे डे टू डे हियरिंग हो ना हो, क्या उस पे भी आज कुछ देखिए, जहां तक हिंदू पक्ष का सवाल है, हम डे टू डे हियरिंग के लिए हमेशा तैयार हैं। डॉक्यूमेंट्स का आदान प्रदान हो चुका है, प्लीडिंग्स कंप्लीट है, ट्रांसलेशन कंप्लीट है, 90 दिन के अंदर इलाहाबाद हाईकोर्ट में फैसला आया था। यहाँ सुप्रीम कोर्ट अगर इसकी डे टू डे सुनवाई करे तो 60 दिन के अंदर फैसला आ सकता है, जिसमें हिंदू पक्ष को सिर्फ 20 दिन चाहिए अपना पक्ष रखने के लिए। और मुस्लिम पक्षकार हैं जो इस मामले को बराबर पॉलिटिसाइज कर रहे हैं और कोर्ट की हियरिंग से भाग रहे हैं। उनके सीनियर एडवोकेट्स कोर्ट के सामने कहते हैं कि आप इस मामले को 2019 के बाद सुने, उनके सीनियर एडवोकेट जस्टिस दीपक मिश्रा को कहते हैं कि आप इस मामले को अपने टेन्योर में ना सुने। जहाँ तक हिंदू पक्ष का सवाल है, हमें सुप्रीम कोर्ट के हर जज पे पूरा भरोसा है, किसी भी धर्म, किसी भी पंथ, किसी भी समुदाय का जज इस मामले की सुनवाई करे, हमें कोई भी आपत्ति नहीं।